पिछले टाइम में मैंने आपको हल्का सा बस रिव्यू दिया था इसके बारे में, और आज मैं आपको इसको पूरे तरीके से बताऊंगा विथ वीडियो भी कि किस तरीके से इसका वर्क होता है और कौन से किस फेस में आपको एंट्री करना है और किस फेस में क्या काम होता है, और यह हमारे एयर को किस तरीके से बैलेंस करता है, और हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसके वजह से अनबैलेंस वाली चीजें हमारे सामने आ रही हैं और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग या एसिड रेन या और भी अन्य प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमने फेस की तो बात कर ली थी कि टोटल 5 फेस कह लीजिए या लेयर कह लीजिए या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कह लीजिए, राइट। तो अब इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया था कि 0 से 10 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर, 0 से 50 किलोमीटर पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर का फर्स्ट लेवल, देन आपका जो है 0 से लगाए 85 पे मीसोफेयर का आएगा, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे वो चालू होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है, देखिए ये जोन इसके नीचे होता है। अब जब भी आप काउंट करेंगे तो इसके नीचे ही काउंट करेंगे, ठीक है, और LV1 हम इसी को कहते हैं, LV1 यानी लेवल 1, ये लेवल 1 का लेयर होता है, क्लियर है, क्योंकि कोई भी चीज आती है तो वो ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, गैसियस स्टेट में होता है, नीचे से ऊपर जाता है, क्लियर है ना ये बात। ये देखिए ये हो गया, ये सॉलिड बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड बॉडी एंड किसके रे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो सॉलिड बॉडी प्लस रे जो आते हैं आपके अर्थ सरफेस पे, ठीक है, और इसकी बात जो मैं कर रहा हूँ वो गैसियस स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो गैसियस स्टेट में रहते हैं, क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, थर्मोस्फेयर बता चुका हूं कि 0 से 700 किलोमीटर पर जो है ये आपको दिखेगा, ठीक है, 700 किलोमीटर पर आपका फर्स्ट लेवल जो है चालू होगा, और इसके आगे आप देखिए जो एग्जोस्फेयर होते हैं, ठीक है ना, समझिएगा कितने फीट पे आ रहा है, ये देखिए अब यहाँ पे प्लस हो गया, ये जो मैं बता रहा था आपको कि देखिए ये यहाँ पे माइनस है मीसोफेयर, क्लियर, और यहाँ पे देखिए मीसोफेयर के ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको समझ में आ रहा है जो मैंने उस पिछला बताया था कि कैसे वो उसके ऊपर हाई टेम्परेचर देता है जिसके वजह से बड़े बड़े जो चीज होते हैं उसको मिलना उसको एकदम चालू हो जाता है। ये मान के चलिए इसका जो लेवल बीच का होता है, ठीक है, LVC यानी लेवल सेंटर जो होता है, उतने में ये क्या होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस, ठीक है, टेम्परेचर, जिसके वजह से किसी भी पिंड को तोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा टूटता किससे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से, क्लियर है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी पिंड को चारों ओर से समान दाब लगाता है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर लगाता है चारों ओर से, सामान्य अवस्था में लगाएगा वो भी इक्वल प्रेशर। ओके, अब देखो एग्जॉस्फेयर जो होता है, देखो काउंट कर 1 2 3, मतलब 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख, और ये क्या है करोड़, देखो यहाँ पे इतने फिट के ऊपर आपको ये मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्लियर है ना, ये होता है NNOO और COO यानी O2 N2 और CO2, क्लियर है, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये तो इनिशियल स्टेज है कि 500 आपको एंट्री करने में मिलेगा, क्लियर है, एंट्री करने में आपको ये टेम्परेचर मिलेगा, और ये कहाँ तक जाता है 2000 तक ये पूरा आपका जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप आगे देखिए, जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है वो 2.20.95, मतलब 20.95 ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और देखो इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं, जो 1% हमारे पास सी लेवल से होते हैं, जैसे अन्य गैसें तो होती ही हैं, 0.4% एंटायर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, जो कि 5%, याद रखिएगा 5% जो होता है, जो कि मैंने बहुत पहले बताया था, 5% वाटर वेपर होता है, याद रखिएगा 5% आपका वाटर वेपर होता है, जो कि यहाँ से आपका उठने पर
वर्क करता है और जो कोल्डेस्ट क्लाउड बनाता है यानी ठंडी बादलों का निर्माण करता है। क्लियर है? ठंडी बादलों का निर्माण होता है और इसी में जो क्लाउड, देखो ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है, इसी में ये क्लाउड होते हैं, क्लाउड, ठीक है, जो कि जम जाते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। तो जो ऊपर से आता है वो इससे भी टकराता है और क्या होता है, जो बादल का गरजना आप समझते हो ना, वो यहीं पे सारा खेल होता है। कोल्डेस्ट पार्ट में आता है, कभी कभी यही दोनों जब आपस में टकराते हैं तो ये टूट जाते हैं और टूटते हैं सामान्य प्रेशर के वजह से, ठीक है, होते हुए बारिश होता है। अब समझ में आ रहा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से अम्ल वर्षा करा सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर है? ये देखते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। Going to learn about the atmosphere. The atmosphere is the outer layer that surrounds the Earth. It is formed by gases that protect the planet from outer space dangers like solar flares or small objects flying in space. Oxygen, that is an essential element for life, is found in this layer. The atmosphere also helps to control the temperature of the planet. We would find it hard to survive without the atmosphere. The difference between day and night temperatures would be huge. Depending on how high we get, the composition of the atmosphere changes, dividing itself into five main layers: the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere is the layer closer to the surface of the Earth. It measures approximately 10 kilometers high. Clouds are found in the troposphere, and weather phenomena like wind, rain, or snow occur here as well. Air, that is much needed for life on the planet, is found in the troposphere. That's why we should make sure not to contaminate it. The stratosphere extends to an altitude of 10 to 50 kilometers above sea level. The ozone layer is part of the stratosphere, and it's very important because it protects our planet from harmful UV sunlight rays. The ozone layer is getting thinner and thinner as air pollution rises. Did you know that airplanes fly in the stratosphere to avoid turbulence? The mesosphere extends to an altitude of 50 to 85 kilometers above sea level. The mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Temperatures can drop down to 90 degrees Celsius, below zero. Shooting stars occur in the mesosphere. These are meteors that travel through space. As soon as they hit the mesosphere, they start burning up, leaving a tail behind them. The thermosphere extends to an altitude of 85 to 500 kilometers above sea level. This layer is the warmest of all five layers. Air temperature on the surface of the Earth is kept constant thanks to the thermosphere. In this layer, temperatures can rise to more than 2,000 degrees Celsius. The International Space Station orbits the Earth within the thermosphere. Impressive natural phenomena like the northern and southern lights occur in the thermosphere. The exosphere is the most distant layer from the Earth's surface. It extends to an altitude of approximately 500 to 10,000 kilometers above sea level. Air in the exosphere is very thin. There's nothing but hydrogen and helium there. This layer is our outermost limit with space and protects us from solar flares. Satellites orbit the Earth within the exosphere. These are the five layers of the atmosphere. Very interesting, right? तो आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमारे आउटर लेयर में किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है? We're going to learn about the
देखिए एक बार फिर से मैं प्ले कर दे रहा हूँ, आपको एटमॉस्फेयर. अच्छे से समझ में आ जाएगा. The atmosphere is the outer layer that surrounds the Earth. It is formed by gases that protect the planet from outer space dangers like solar flares or small objects flying in space. Oxygen, that is an essential element for life, is found in this layer. The atmosphere also helps to control the temperature of the planet. We would find it hard to survive without the atmosphere. The difference between day and night temperatures would be huge. Depending on how high we get, the composition of the atmosphere changes, dividing itself into five main layers: the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere is the layer closer to the surface of the Earth. It measures approximately 10 kilometers high. Clouds are found in the troposphere, and weather phenomena like wind, rain, or snow occur here as well. Air, that is much needed for life on the planet, is found in the troposphere. That's why we should make sure not to contaminate it. The stratosphere extends to an altitude of 10 to 50 kilometers above sea level. The ozone layer is part of the stratosphere, and it's very important because it protects our planet from harmful UV sunlight rays. The ozone layer is getting thinner and thinner as air pollution rises. Did you know that airplanes fly in the stratosphere to avoid turbulence? The mesosphere extends to an altitude of 50 to 85 kilometers above sea level. The mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Temperatures can drop down to 90 degrees Celsius, below zero. Shooting stars occur in the mesosphere. These are meteors that travel through space. As soon as they hit the mesosphere, they start burning up, leaving a tail behind them. The thermosphere extends to an altitude of 85 to 500 kilometers above sea level. This layer is the warmest of all five layers. Air temperature on the surface of the Earth is kept constant thanks to the thermosphere. In this layer, temperatures can rise to more than 2,000 degrees Celsius. The International Space Station orbits the Earth within the thermosphere. Impressive natural phenomena, like the northern and southern lights, occur in the thermosphere. The exosphere is the most distant layer from the Earth's surface. It extends to an altitude of approximately 500 to 10,000 kilometers above sea level. Air in the exosphere is very thin. There's nothing but hydrogen and helium there. This layer is our outermost limit with space and protects us from solar flares. Satellites orbit the Earth within the exosphere. These are the five layers of the atmosphere. Very interesting, right? We're going. अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो है आपका वर्क कर रहा है. तो देखिए यहाँ पे मैंने जरा सा नॉकआउट किया हुआ है. देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना होगा कि जो अर्थ हमारा है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का मतलब सरफेस हो गया. ये ब्राउन कलर से जो मैंने किया है मतलब सरफेस ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका सी लेवल हो जा रहा है, ये जो इस तरह का कलर में है. अब देखो यहाँ पे प्लेन जो है ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ही वो रहता है, मतलब यहाँ से और यहाँ से. कभी कभी इस लेयर में उड़ान भर सकता है बट नॉट बी कंपल्सरी. उसको इसी के बीच में आपको हवा से उड़ना है, क्योंकि जो इसके फॉसिल फ्यूल जलेंगे, समझिएगा, इसके फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हमारे ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन ओजोन लेयर क्या करता है कि ये जब जाएगा ऊपर तो फिर टकरा करके हमारे ही पास आ जाता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीजों का हमें सामना करना पड़ता है. राइट, ये चीजों को आपको समझना होगा कि किस पोजीशन में करें. अब जो बलून्स को हम लोग उड़ाते हैं वो याद रखिएगा, बलून्स हमेशा आपका स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, ऑल द टाइम किस में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बलून्स, ठीक है, यानी हवाई जहाज के ऊपर उड़ता है. क्लियर हो गई बात. अब देखो जो जो मीसोस्फेयर है जो आता है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं,
वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में टूट जाते हैं, नहीं टूटते हैं तो तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि आपके इधर भी तो आपका हीट ट्रीटमेंट होता है और क्लाउड होते हैं, यहाँ पे थर्मल इफेक्ट होता है आपका, जो कि 500 से लगाए आपका कितना रहता है, 2000, ठीक है, के बीच में रहता है। और बाकी जो सेटेलाइट ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, ये खराब हो गया तो गिरता है, तो यहाँ पे गिरेगा गर्म होकर खुद ही खत्म हो जाएगा, जो बचा कुचा रहेगा वो ठंडे या ठंडे बादलों से ट्रीट होने के बाद टूट करके यहाँ पे आएगा, फिर अलग यहाँ ट्रीट होगा, यहाँ पे आते आते बहुत छोटे में बन जाता है। तो ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, इस तरीके का वर्क हमारा करता है और इस फेज से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि ट्रोपोस्फेयर के जो लेवल है वो किस तरीके से है और क्या इसके मेनली वर्क होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 8 से, ठीक है, 14.5 किलोमीटर हाई हो गया है। ये क्या है कि दिस पार्ट ऑफ एटमोसफेयर इज मोस्ट डेंस, बहुत ही डेंस होता है, ठीक है, और वेदर रीजन के लिए काफी सही माना जाता है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा था क्या कि 0 से 10 किलोमीटर, समझना, 0 से 10 किलोमीटर, लेकिन आया ना यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेवल जो है एंटर कर रहा है, ठीक है, तो आपको समझना होगा, क्योंकि देखो लाइट वेटेड क्लाउड और हैवी वेटेड क्लाउड जो होता है आपको कोरिलेट करना रहता है, और उसके गैसियस स्टेट के जो मॉलिकुलर आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं उनके फेसों को समझना होता है, तभी जाकर के आप एयर पॉल्यूशन पे, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रिड्यूस कर सकते हो उस चीजों को। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जो मैंने बताया था कि 50 एक्सटेंड कर जाता है उसके ऊपर 50 तक, ठीक है ना, माइल्स में भी आंसर मैंने दे रखा है। और देखो यहीं पे आपको ओजोन लेयर मिलेगा, ओजोन लेयर यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, देखो सोलर के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, लेयर से। मीसोफेयर के बारे में मैंने बता दिया है कि मीसोफेयर का क्या है आपका, देखिए 85 है, 53 माइल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बर्न करने के रूप में काम आता है। बर्न मतलब, ठीक है, मतलब कौन सा बर्न करेगा, ये कोल्ड बर्न करेगा, ठीक है, जबकि किसी भी मॉलिक्यूल से आप 180 किलो कैलोरी निकाल लोगे तो ऑलरेडी बर्न के केस में आता है, ठीक। अब थर्मोस्फेयर का देखो, इसमें तो पूरा का पूरा ही हीट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, लगभग 600 किलोमीटर इसको मान लेते हैं सी लेवल से, और जो है 372 माइल्स हाई होता है, जो कि सेटेलाइट या यहाँ के लिए सर्वाइव होता है। इसी के बीच में जैसे ओजोन आता है, उसी के बीच में एक आइनोस्फेयर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आइनोस्फेयर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइनोस्फेयर, ठीक है। आइनोस्फेयर क्या होता है कि 48 किलोमीटर के होता है, सी लेवल से 48 किलोमीटर पे होता है, यानी 30 माइल्स पे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग की जितने भी सारी केसेस होती हैं, जितना भी एक दूसरे को ऊपर चढ़ाना, टकराना, टूटना, बिखरना डायनेमिक मोशन में आता है, और इसको अगर जो हम बांधे हैं फेस में, वो DEF वेवलेंथ के हिसाब से और रेडिएशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आइनोस्फेयर होता है, और इसी आइनोस्फेयर में हम जितने भी टेलीफोन का यूज करते हैं या रडार सिस्टम का यूज करते हैं, ये आपको आइनोस्फेयर के अंदर ही मिलता है। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप करते हो ना, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से सीधे जाता है, सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, सैटेलाइट से फिर आता, नहीं, सैटेलाइट का एक फिक्स होता है रेंज, ठीक है, उस रेंज में आपको उतने दूरी का फिक्सेबल बैंड देता है, आप वहां तक नहीं टकराते हो, सैटेलाइट के पॉइंट पे नहीं टकराते हो, सैटेलाइट से पहले टकराएगा फिर ये वापस आएगा। तो ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो भी काम होता है रेडिएशन को हम लोग वापस तो करते हैं, लेकिन जो एक्टिव पैसिव जो होता है कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, वो उसका वेवलेंथ अलग होता है, जो कि सैटेलाइट से DEF के जोन में उसको डिवाइड किया गया है। और एग्जोस्फेयर के बारे में आपको तो पता ही है कि किस तरीके से ये बना है, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए हैं, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगला काम इसका होता है। क्लियर है?